हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जी टेक पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप इंटर हरियाणा से अपनी सैलरी स्टेटमेंट और पे स्लिप, उसके अलावा आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं, अपने एसीआर पेंडिंग एसीआर को किस तरह चेक कर सकते हैं, वो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबाएँ, ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। व्यू करें और उसके बाद कमेंट करना ना भूलें, और अपने कमेंट में लिखकर बताएं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं किस तरह हम इंटर हरियाणा पर अपना पे स्लिप और सैलरी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, क्रोम पर आप इसको ना खोलें, क्योंकि अगर मोबाइल में खोलना चाहते हैं तो क्रोम पर ये सक्सेसफुली अपडेट नहीं होगा। आपको ब्राउज़र पर चलना है, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र पर चलने के बाद आप यहाँ इंटर हरियाणा डालिए, इंटर हरियाणा फीड हुआ है। इंटर हरियाणा डालने के बाद ये फर्स्ट ही पेज पर इंटर हरियाणा आ गया है, इंटर हरियाणा .gov.in। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने होगा, इंटर हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना यूनिक कोड डालिए, यूनिक कोड डाल दिया है। उसके बाद अपना जो सैलरी अकाउंट नंबर है, जिस पर आपकी सैलरी आती है, वो अकाउंट नंबर आपको डालना है। उसको डालने के बाद यहाँ सबमिट करना है। दोस्तों, इसमें लिखा आया है दिस पे कोड इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इस पे कोड से इंटर यहाँ पर अकाउंट बना हुआ, तो इसको ओके कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक टॉप में, राइट में गो टू लॉगिन पेज जाइए। उसके बाद हम जो है फॉरगोट पासवर्ड करेंगे, क्योंकि फॉरगोट पासवर्ड की भी वही प्रोसेसिंग है जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, नया पासवर्ड बनाने के लिए। तो नीचे फॉरगोट पासवर्ड क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना यूनिक कोड डालिए, जो आपका पे कोड है उसको डालिए। उसको डालने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उसके बाद ये सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है शो मोबाइल नंबर फ्रॉम ई सैलरी, तो ई सैलरी पर मोबाइल नंबर शो करने क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर शो हो गया है, यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट आएगी, ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट आने के बाद आपको जो ओटीपी आपके मोबाइल पर गई है जिस नंबर पर, उस ओटीपी को इसमें डालना है और उसके बाद सबमिट करना है। दोस्तों, ये ओटीपी मेरे दूसरे फ़ोन नंबर पर जा रही है, तो उस ओटीपी को मैं बताऊँगा आपको और इसमें डाल दूँगा, उसके बाद इसको सबमिट करूँगा। तो दोस्तों, ओटीपी आ चुका है, आपको आवाज़ आई, ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमारा है सर 5757169, ये ओटीपी हमने डाल दिया है और सबमिट कर दिया है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है, ओके कीजिए। उसके बाद हमें पूछा गया है पासवर्ड, आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं, अपना कोई भी पासवर्ड, वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर हो और नंबरिंग के अंदर हो और कोई एक्स्ट्रा वर्ड दूसरा हो सकता है। तो हमने यहाँ पासवर्ड बना दिया है, ये पासवर्ड डाल दिया है, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सबमिट कीजिए। और पासवर्ड अपडेट इज सक्सेसफुली, पासवर्ड अपडेट हो चुका है, अब ओके कीजिए। उसके बाद हम इसको रिमेम्बर करें तो ये हमारे पासवर्ड सेव मिलेगा हमें, ओके कीजिए। उसके बाद हम यहाँ अपना यूज़र आई डी हमारा जो होता है वो अपना यूनिक कोड होता है, और पासवर्ड हम अपना जो हमने बनाया है वो पासवर्ड अपना डाल देते हैं और लॉगिन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये लॉगिन एंटर योर कोड, तो एंटर कोड हमने एंटर नहीं किया है, गलती से कोड रह गया था, तो दोबारा से हम इसमें पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कोड हो रहा है उसको हमें डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो दोस्तों, ये पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ये कोड हम डालेंगे 28133, तो ये हमने डाल दिया है। इसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन हमारा हो चुका है, और दोस्तों देखो, सामने हमारा प्रोफाइल पेज ओपन हो रहा हो चुका है, और यहाँ राइट में देखिए होम पेज, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट में ये हमारा सामने से पेज ओपन हुआ है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेन मेन्यू आया है, उसके बाद ओनर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको बायोडाटा, फर्स्ट स्टेप बायोडाटा आप चेक कर सकते हो, बायोडाटा क्लिक कीजिए। बायोडाटा क्लिक करने के बाद नीचे सेव डॉक्यूमेंट्स आ गया, ओके कीजिए। स्टार्टिंग डाउनलोड हो चुका है,
और ये सक्सेसफुली हो चुका है डाउनलोड। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये बायोडाटा क्या हुआ आया है। तो आप ये देख सकते हैं फ़ोटो के साथ कंप्लीट डाटा है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, सैलरी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, अदर्स डिटेल जैसे कि प्रान, GPF, अकाउंट नंबर वगैरह। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से निकाल, इसको हम निकाल भी सकते हैं प्रिंट करके, तो इसको बैक चलते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे ACR पेंडिंग्स। अगर हमने HRMS स्पीड ACR फीड कराई हैं तो उनमें से जो पेंडिंग रही है वो दिखा देगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों 1/4/17 से 31/18 की इसकी ACR पेंडिंग है, यानी एक साल की ACR बची हुई है, तो ये इसको पेंडिंग में दिखा रहा है। उसके बाद प्रीवियस GPF किसी की है, तो GPF ये जो अकाउंट बना है ये NPS का है, तो इसमें GPF नहीं दिखाएगा। मिसिंग GPS, रोन पेमेंट, एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें दिखा सकते हो और चेक कर सकते हो। उसके बाद ई सैलरी सर्विसेज में आएंगे, मेन चीज़ ई सैलरी सर्विसेज। इसमें सबसे पहले सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप को डाउनलोड करने के लिए आप सेलेक्ट करिए ईयर को। उसके बाद ईयर सेलेक्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हो अप्रैल की पे स्लिप, शो कीजिए। शो करने के बाद अलाउ पॉप अप विंडो अलाउड करेगा, नेक्स्ट विंडो में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट विंडो में आने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, सेव डॉक्यूमेंट्स ओके कीजिए, स्टार्टिंग डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसमें डाउनलोडेड सक्सेसफुली ये हमारा हो चुका है, तो हम इसको फिर से चेक कर सकते हैं कि पे स्लिप क्या आई है। पे स्लिप हमारी ये आ चुकी है, ये पे स्लिप हमारी देख लीजिए। उसके बाद हम सीधा एनुअल सैलरी स्टेटमेंट पर जाएंगे। एनुअल सैलरी स्टेटमेंट में हम आपको शो करेंगे ये 18-19 का एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। उसके बाद अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद डाउनलोड हो चुका है एनुअल सैलरी स्टेटमेंट 2018-19 का। उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये हो चुका है और इसको यहाँ देख सकते हो आप। ये सारी सैलरी स्टेटमेंट्स मार्च से लेकर अप्रैल तक की आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सैलरी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से लॉग आउट हो चुका है, धन्यवाद।